हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब तक हमने बात कर ली है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेजेस बनती हैं वो हमने केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 एंड केस 6 वन बाय वन आपको बिल्कुल डिटेल में बताया। अब हमारी जिम्मेदारी भी बनती है इन सारे केसेस को आपको याद भी कराना है। तो याद करने के लिए हमने एक ट्रिक निकाली है। इन सारे के सारे केसेस को हमने एक साथ बनाया हुआ है और हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, इन सारे केसेस में कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन से केस में इमेज कैसी बनी थी। जैसे अगर आपको याद हो, अगर आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला वीडियो देखा है जहां पर हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ाया हुआ है, वहां पर भी हमने ऐसी बात की थी। पहले हर एक केस को वन बाय वन स्टडी किया था, डिटेल में स्टडी किया था, फिर सारे केसेस को एक साथ हमने लिखा और कंपैरिजन किया। तो देखो यहाँ पर हमने केस नंबर वन बनाया हुआ है। केस नंबर वन में आप देख सकते हो कि जो इमेज है वो कैसी बनी है, वर्चुअल इरेक्ट बनी हुई है, राइट। लेकिन ध्यान रखना, इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वाली वीडियोस को जरूर देख लेना, यहाँ पर हमने सारे पहले से बना रखे हैं। ओके, पिछले वाले वीडियोस में मैंने हम आपको ये वन बाय वन बना के दिखाए हुए हैं। सेकंड केस में, थर्ड केस में, फोर्थ केस, फिफ्थ केस एंड सिक्स्थ केस। फर्स्ट केस में जो इमेज है स्टूडेंट वो कैसी है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, राइट। सेकंड केस में रियल इन्वर्टेड है, यहाँ भी रियल इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। मतलब पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। वो कंडीशन कौन सी होती है, वो केस कौन सा होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, राइट। अब आपको नोटिस क्या करना है, देखो ध्यान रखना, मैंने ये बात पहले ही बताई थी कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पीछे करते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप मिरर से दूर करते जाओगे, नॉट मिरर, लेंस, ओके, वैसे वैसे जो इमेज होगी वो क्या होती जाएगी, लेंस के पास आती जाएगी। ये चीज आपको नोटिस करनी है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर करते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इमेज लेंस के पास आती जाएगी। जैसे केस नंबर टू में देखते हैं, यहां पर इमेज कहां पर होती है बच्चों, इन्फिनाइट पर, पैरेलल लाइट रेज है तो कहां पर मिलेंगी, हम ये बात मान के चलेंगे कि ये इन्फिनाइट पर मिलेंगी, तो इमेज कहां पर है, इन्फिनाइट पर है। यहां पर देखिए इमेज कहां पर आ गई, बियॉन्ड 2f आ गई, इन्फिनाइट पहले बहुत दूर थी, अब शिफ्ट हुई, बियॉन्ड 2f आ गई। यहां पर कहां पर आ गई, 2f पर आ गई। केस नंबर फोर्थ को देखेंगे आप तो इमेज 2f पर आ गई है, फिर 2f और f के बीच में आ गई, और फिर इमेज कहां पर आ गई, फोकस पर आ गई। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को बैकवर्ड डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द लेंस मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे इमेज क्या होती जा रही है, टुवर्ड्स द लेंस मूव होती जा रही है, ठीक है। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हाइट के बारे में, हाइट कैसी है, यहां पर इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है। केस नंबर वन में आप देख भी सकते हो इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्टिव हाइट से ज्यादा है, दैट्स व्हाई द इमेज इज मैग्नीफाइड। यहां पर इमेज हाईली मैग्नीफाइड होगी, देन देखो बहुत बड़ी, हाईली मैग्नीफाइड, फिर कैसी हुई, यहां पर बड़ी बन रही है, मैग्नीफाइड बनी हुई है। यहां पर सेम साइज की है, यहां पर डिमिनिश्ड है और यहां पर हाईली डिमिनिश्ड है। कैसे याद करना है कि सर बहुत बड़ी, हाईली मैग्नीफाइड एंड देन मैग्नीफाइड, देन सेम साइज, देन डिमिनिश्ड एंड देन हाईली डिमिनिश्ड। बहुत बड़ी, बड़ी बराबर छोटी एंड बहुत छोटी, इस तरह से आपको वो हाइट के बारे में अंदाजा लगाना है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट फोकस पर है तो इमेज हाईली मैग्नीफाइड होगी, ऑब्जेक्ट फोकस से दूर करोगे 2f और f के बीच में रखोगे तो इमेज मैग्नीफाइड आएगी, ऑब्जेक्ट f पर 2f पर रखा जाएगा इमेज सेम साइज की आ जाएगी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f जाएगा तो इमेज डिमिनिश्ड हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट अगर इन्फाइनाइट पर गया तो इमेज बहुत छोटी बनेगी, बिल्कुल पॉइंट साइज की बनेगी, राइट। ये हो गई किसके बारे में बातें, हाइट के बारे में। अब डिस्टेंस के बारे में कर लेते हैं, यहां पर इमेज कहां पर बनी हुई है भाई, यहां पर इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनी हुई है। केस नंबर वन थोड़ा स्पेशल टाइप का केस है, मैंने बताया भी हुआ है ना, केस नंबर वन को स्पेशली आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पर इमेज कैसी बनी हुई है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, बाकी सारे केसेस में इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, राइट। यहां पर भाई डिस्टेंस के बारे में बात करनी है, यहां पर इन्फिनाइट पर है, फिर इन्फिनाइट से पीछे करो, इन्फिनाइट से पीछे क्या आएगा, बियॉन्ड 2f, इमेज कहां पर आ गई, बियॉन्ड 2f आ गई, फिर क्या करो, बियॉन्ड 2f से थोड़ा और पीछे आओ, 2f पर आएगी, फिर f
एंड टू एफ के बीच में आएगी एंड देन एफ पर आएगी। देखो इस तरह से आपको ये सारे के सारे केसेस अपने माइंड में सेट कर लेने हैं, क्योंकि आगे की जितनी भी बातें होने वाली हैं, न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, काफी सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेंगे किस पर, इन सारे केसेस पर। अगर आपको ये केसेस अच्छे से याद है तो आप लोग अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। अगर इन केसेस को समझने में डिफिकल्टी होगी तो फिर आगे की चीजों में भी डिफिकल्टी रहेगी, इसलिए इन केसेस को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई लेंथ है जिसकी फोकल लेंथ है 20, ठीक है, ये रहा एफ, फोकल लेंथ है 20, ठीक है, मैंने कहा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, तो आपको बताइए कि जो इमेज होगी वो कैसी होगी। तो आप तुरंत समझ जाओगे सर, जब ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ है 20, राइट, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर, तो कौन सा केस है, केस नंबर 1 है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो केस नंबर 1 की आपको बात याद आनी चाहिए कि सर जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होगी। अगर मैंने यही कहा होता कि कोई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है 20 और ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पर, ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पर, तो बताइए इमेज कैसी होगी। तो तुरंत समझ जाओगे सर ऑब्जेक्ट की जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 20, ऑब्जेक्ट भी 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पर होगी, इमेज इनफाइनाइट पर होगी, रियल होगी एंड इनवर्ट, बाकी सारे केसेस में रियल इनवर्टेड, रियल इनवर्टेड, रियल इनवर्टेड, राइट, सिर्फ और सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पर आपको स्पेशली ध्यान देना है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है, बाकी सारे केसेस में इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनी है वो रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है, राइट। अच्छा, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता कि कोई लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 20, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मैंने 30 सेंटीमीटर पर, कितने पर रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर, तो बताइए इमेज कैसी कैसी होगी। तो आप तुरंत बता दोगे सर ऑब्जेक्ट आपने 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो जब एफ 20 है तो 2f कितना होगा भाई, 40 होगा, एफ अगर 20 है तो 2f 40 होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच में रखा हुआ है, और जब ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच में रखा हुआ है तो इमेज कहां होगी, आप बता दोगे सर ऑब्जेक्ट जब एफ और 2f के बीच में रखा हुआ है, ये वाला केस, when object is placed between f and 2f, तो सर इमेज बड़ी होगी, पहली बात, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और जो इमेज होगी वो 2f से बिहाइंड जाएगी, बियॉन्ड द 2f बनेगी। इस तरह से आप लोग इन केसेस को अच्छे से समझो बच्चों, क्योंकि एग्जाम में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सिर्फ केसेस के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, चलो मैं देता हूं, कोई स्टूडेंट है उसने कॉन्वेक्स लेंस से एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, पहली डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, दूसरी डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, तीसरी डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है एंड फोर्थ डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है। मतलब पहले उसने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पर रखा, फिर 40 सेंटीमीटर पर रखा, फिर 60 सेंटीमीटर पर रखा और फिर 80 सेंटीमीटर पर रखा ऑब्जेक्ट को, मतलब ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। देन उसने पता किया कि जो इमेजेस फॉर्म हो रही हैं वो कहाँ कहाँ पर हो रही हैं, वो हो रही हैं मान लीजिए 100 सेंटीमीटर पर हुई और 40 सेंटीमीटर पर हुई, राइट, 30 सेंटीमीटर पर हुई एंड 120 सेंटीमीटर पर हुई, ठीक है, ये उन्होंने, या चलो इनको थोड़ा सा यहां पर लिख देते हैं, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट पहले 30 सेंटीमीटर 20 पर रखा, फिर 40 पर रखा, फिर 60 पर रखा और फिर 80 पर रखा, और दो इमेज की जो डिस्टेंस आई वो उन्होंने मेजर कर ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इमेज की जो डिस्टेंस है वो सारी रॉन्ग ऑर्डर में लिख ली है, इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट की, पता किया, लेकिन सारी जो डिस्टेंस है वो रॉन्ग ऑर्डर में लिखी हुई है। आपको क्या करना है, इन सबको सही ऑर्डर में लगाना है कि जब ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर रखा होगा तो इसमें से इमेज का डिस्टेंस कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पर रखा होगा तो इनमें से इमेज का डिस्टेंस कौन सा होगा, ठीक है, ये आप लोगों को बातें बतानी है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप दूर करते जाते हो, इन सारे केसेस में मैंने आपको एक ही चीज समझाई है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता जा रहा है इमेज क्या होती जा रही है, पास आती जा रही है, मतलब ऑब्जेक्ट को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है तो वो ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहां से अगर आप देखोगे तो इमेज की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब जब
20 पर रखा हुआ है तो इमेज कहां पर होनी चाहिए, 100 पर होनी चाहिए। 40 पर रखा हुआ है तो इमेज 100 के बाद में कितना आएगा, 120 होना चाहिए। देन 60 पर रखा हुआ है तो 40 होना चाहिए, और 80 पर रखा हुआ है तो अब कौन सा डिस्टेंस बचा, 30 होना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप पीछे करते जाओगे वैसे वैसे इमेज क्या होती जाएगी, आगे आती जाएगी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ेगी तो इमेज की डिस्टेंस कम होती जाएगी। ये बात आप लोगों को यहाँ पर हमने आपको समझाई और सारे केसेस के बारे में बताया कि कौन से केस में इमेज कैसी बनती है और उसको याद कैसे करना है। ध्यान रखें सिर्फ पहला वाला केस ऐसा है जहां पर इमेज कैसी बनी हुई है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। बाकी सारे केसेस को अगर आप डिटेल में स्टडी करोगे तो सारे ही केसेस में इमेज कैसी बनी हुई है, रियल बनी हुई है एंड इन्वर्टेड बनी हुई है। और कोई ऐसा केस नहीं है जहां पर इमेज वर्चुअल हो और इरेक्ट हो। सिर्फ केस नंबर 1 को